इतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी मुगल्स में कभी नहीं आई थी कि 8 साल में 2 राजा बने और तीसरी राजा की डेथ हो जाए, है ना। तो 1719 में वी हैव टू थ्री किंग, वन इज द फरुसियार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस हाईएस्ट। टुडे आई विल टेक यू टू दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, दैट इज अ लेटर मुगल्स। यू नो दैट औरंगजेब हैड डाइड इन 1707। आफ्टर दैट मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू बी डिसइंटीग्रेटेड, बट इट वॉज नॉट इन 1 year और 50 years दैट मुगल एम्पायर हैड डिक्लाइन कम्प्लीटली। द लास्ट मुगल रूलर्स वर बहादुर शाह जफर, हु वॉज देयर इन द 1857 रिवोल्ट, एंड देयर आफ्टर ही वॉज पनिश्ड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड रिटायर्ड टू रंगून। ओके, बट लेट मी ब्रीफली टेल यू दैट वट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स थ्रू विच लेटर मुगल्स केम इन टू एग्जिस्टेंस। तो आपको पता है जैसे औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, विद इन 10 years देर वॉज मोर देन 5 kings वर देर, 5 राजा 10 साल के अंदर बनते हैं, एंड दीज पीपल वर फाइटिंग टूगेदर, दीज थिंग्स आर नोन इज अ वार ऑफ सक्सेशन। तो जैसे औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद उनके जो सन है उनको आपको पता है कि उनके 5 important बेटे थे, एक दूसरे थे। सो वन इंपॉर्टेंट सन ऑफ दिस वन इज द मोहम्मद शाह। तो जब मोहम्मद आजम शाह, देन वी हैव मोहम्मद सुल्तान, वी हैव मुअज्जम, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद कामबख्श एंड जुल्फिकार नुसरत जून थे। ये 5-6 important बेटे हैं, बट इनमें से वार ऑफ सक्सेशन चलता है एंड वन किंग वन सन बिकम विक्टोरियस ओवर दिस मैन, दिस नेम इज मुअज्जम। सो मुअज्जम जो है वो 1707 में फाइनली मुगल बादशाह बनते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। जब मुअज्जम है उनकी टाइटल है बहादुर शाह जफर, है ना। तो यही जो बहादुर शाह फर्स्ट इनका नाम है, और बहादुर शाह जफर हम बहादुर शाह सेकेंड को बोलते हैं, ठीक है। सो बहादुर शाह बिकम द रूलर, ही रूल फॉर ओनली 5 years, मात्र 5 साल तक रूल कर पाते हैं, है ना। स्पेशली आफ्टर दैट ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन कॉल जहांदर शाह, इनके बाद राजा बनते हैं। आपको पता होना चाहिए मुअज्जम के पास 4 बेटे थे इंपॉर्टेंट, ही हैज 4 important सन्स, जहांदर शाह, अजीम, रफीदुद्दार एंड अक्सर। इनमें से जहांदर शाह बिकम विक्टोरियस और जहांदर शाह 1712 में राजा बन जाते हैं। पर जहांदर शाह के बाद अगर आपको पता होना दैट हु इज द वन हु सक्सीडेड, तो ही वाज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर सन, अपने निफ्यू द्वारा सक्सीड होते हैं। सो फरुसियार बिकेम द रूलर हेयर एट, है ना। तो फरुसियार जो है यहाँ पे 1713-19 के बीच में रूलर बनते हैं, एंड एस्पेशली यू नो दैट ही हैड टू फाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आफ्टर फरुसियार देयर बी द सैयद ब्रदर्स हु विल प्ले अ गेम देयर एट, एंड फरुसियार विल बी सक्सीडेड इन द 1719 एंड देयर आफ्टर बाय द रफीदुल्ला, एंड देन अदर पर्सन विल बी द रफीदुज़रात। यही साल 1719 में देर वर 2 kings इन द मुगल एम्पायर। इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी मुगल्स में कभी नहीं आई थी, 8 साल में 2 राजा बने और तीसरी राजा की डेथ हो जाए, है ना। तो 1719 में वी हैव टू थ्री किंग, वन इज द फरुसियार, द सेकेंड किंग वी हैव रफीदुल्ला, एंड थर्ड किंग हेयर वी हैव द रफीदुज़रात, है ना। देयर आफ्टर मोहम्मद शाह प्ले इंपॉर्टेंट रोल, मोहम्मद शाह वाज सपोर्टेड बाय द देयर कमांडर्स लाइक निजामुल मुल्क, असफ जाह फ्रॉम हैदराबाद, सादत खान, मुर्शिद कुली खान एंड ऑल, एंड ही बिकम विक्टोरियस इन द डिफीट इन द सैयद ब्रदर्स, एंड ही एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ पावरफुल किंग। बट ही वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, डांस, मनी एंड द लैविश लाइफ स्टाइल, द मूवमेंट्स एंड ऑल। तो बहुत ही ऐसो आराम में वो अपनी जिंदगी जीते थे, इसलिए उनके जितने भी मंत्री थे सोचा इनके अंदर रहने से अच्छा है अपने छोटे से जमीन का मालिक बन जाए। एंड देयर आफ्टर द वजीर ऑफ मोहम्मद सरंगीला decided to go to South India and settle down there. This person was Nizamul Mulk Asaf Jah first. So South में जाके वो settle हो जाते हैं। Sadat Khan also himself declared as independent ruler of Awadh, and Mohsin Qutli Khan became independent in the time of the Mohammad Shah Rangila only. इन्हीं के time पे क्या हुआ था आप देखेंगे, इनके time पे ही when Mohammad Shah Rangila was ruling over this state, you should be surprised to know that in the time of Mohammad Shah Rangila, do you know what happened here? इनके time पे इनको हम क्या बोले, Rangila. Because of his important things. There was a Nadir Shah invasion in the 1738-39. So 38-39 में Nadir Shah invasion होता है, and thereafter these things happen. In his time only Mughal Empire started to be weakening and Maratha become very powerful by this time. So Mohammad Shah Rangila की death होती है 1748 में, and after this he will be succeeded by his son Ahmad Shah.
Ahmad Shah will rule from 48 to 54. But Ahmad Shah was not a very powerful, and Marathas become more and more powerful here by this time under the leadership of firstly Bajirao first and secondly Balaji Bajirao. So Maharatha become very powerful jab Muhammad Shah Ranila aur Ahmad Shah rule kar rahe the. Thereafter Maratha will support Alamgir second. So Maratha ne apne hisab se अपना एक पपेट रूलर बैठाया मुगल बादशाह में, बट दीज वर द रिलेटिव ऑफ द मुगल बादशाह ओनली, बट ही वॉज ओनली फुल्ली कंट्रोल ऑफ द मराठा. सो आलमगीर सेकंड हु वॉज इनिशियली द सन ऑफ द जहांगीर शाह नाउ बिकम किंग इन द 1754-59. ही विल बी सक्सीडेड बाय शाह आलम सेकंड. दिस इज द सेम पर्सन who had fought the Battle of Buxar, ye yaad hai. Battle of Buxar was fought between the Britishers and three alliance of Indians was Bengal, Abad and Mughals, where the Mughal Badshah had been badly defeated and he was forced to sign the Treaty of Allahabad, through which he had granted Diwani rights to the Britishers for Bihar, Odisha and Bengal. Okay, this is what we know. Alam Shah itne bechare durlav hai, ki 1788 ke aaspaas, by 1789, he had been defeated by the Afghanis again and he was blinded by the Afghani. अफगानी रूलर आए, बोले तुम मुझे सोना दो, हाँ हीरा बताओ. एंड यू नो व्हाट हैपेंड, ही वाज अनेबल टू टेल एंड बाय द एंग्री अफगानी पीपल हैव स्पेशली पुट द नाइफ्स इन द आईज ऑफ शाह आलम सेकंड एंड ही वाज ब्लाइंडेड बाय दिस पर्सन. ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर सेकंड एंड अकबर सेकंड वाज सक्सीडेड बाय बहादुर शाह सेकंड. दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री वी नो अबाउट द डायनेस्टीज ऑफ द मुगल्स. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल. इफ यू वांट मी टू मेक एनी वीडियोज और एनी ऑफ द अनइम्पॉर्टेंट रूलर्स, आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियोज ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल.